अजमेर डीजल और पेट्रोल की कीमतों में केंद्र सरकार की ओर से लगातार वृद्धि करने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अजमेर प्रदेश और जिला स्तर पर प्रदर्शन किया। विजय जैन जिला अध्यक्ष देहात जिला कांग्रेस की ओर से पेट्रोल व डीजल की कीमतों के विरोध में जिला कलेक्टर कार्यालय अजमेर पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी सोमवार सुबह 10:30 बजे अजमेर स्थित डाक बंगला परिसर में एकत्रित हुए। यहाँ भी सभी कांग्रेसी जिला कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च किया। भारत के अंदर कोरोना महामारी के द्वारा जो महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पेट्रोल पदार्थ कहीं महंगे हैं तो हिंदुस्तान के अंदर है। मुझे आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस कोरोना की महामारी के अंदर जहाँ राजस्थान सरकार को आपने 1 रुपया नहीं दिया, जहाँ दूसरी सरकारों को चाहे आपको क्वारंटाइन कराना हो वहाँ कोई 1 रुपये की मदद नहीं की, और लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के भावों को बढ़ाया जा रहा है, इससे बढ़ने से निश्चित रूप से मान के चलिए देश में महंगाई बढ़ेगी। आज पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोल की रेटें कहीं हैं तो हिंदुस्तान के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और इनके तमाम लोग जो अपने सर पे 375 रुपये का सिलेंडर लेके घुमा करते थे, पेट्रोल की बात करा करते थे, आज उन लोगों के कार्यकाल के अंदर जिस तरह के जिस पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए जो खाद्यान्न आएगा उसका भी उस पर भाड़ा बढ़ेगा, जो ट्रेनिंग का आएगा उसका भाड़ा बढ़ेगा, जो आम आदमी पहले पिसा हुआ था उसको पैकेज के रूप में नहीं देकर जिस तरह लगातार बढ़ाया जा रहा है, ये इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि आज पहली बार इस देश के अंदर पेट्रोल के जो है पेट्रोल कौन किसके माध्यम से परचेज किया जा रहा है, पेट्रोल परचेज किया जा रहा है अडानी और अंबानी के नाम से। अडानी और अंबानी दोनों परचेज करके भारत सरकार को दे रहे हैं, उनको मुनाफा देने के लिए मोदी जी के द्वारा देश को ठगा जा रहा है, देश को लूटा जा रहा है और देश के ऊपर गरीबों को और गरीब किया जा रहा है, महंगाई की मार बढ़ाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज इनसे मांग की है कि तुरंत प्रभाव से मोदी जी आप महंगाई को कम करने के लिए पेट्रोल के डीजल के भावों को कम कीजिए, नहीं तो किसान इस देश का मर जाएगा। इस देश का है कि जब आने वाले समय पर फसलें शुरू हो रही है तो अब ट्रैक्टर कैसे चलेगा, डीजल का कैसे काम चलेगा, किसान मरेगा तो महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी मरेगा तो महंगाई बढ़ेगी। आज इसलिए ये जो आज पूरे देश के अंदर जो महंगाई का बोलबाला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो अब करके दिखाने का समय आ गया, नहीं तो कांग्रेस के जन सड़कों में उतरेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार को मोदी जी की और इनके साथ अमित शाह और इनके साथ अडानी और अंबानी के माध्यम से देश को लूटने नहीं देंगे। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के जिस तरह तेज़ी से दाम बढ़ाएं और जिस तरह लोग अभी कोरोना महामारी से आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, उस स्थिति में देश का हाल बेहाल करने के लिए केंद्र सरकार ने लोगों की कमर तोड़ दी है। उसके खिलाफ हमारे पूरे प्रदेश भर के अंदर आज पेट्रोल डीजल के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दिया। जब मोदी जी सरकार में नहीं थे उस वक्त चिल्ला रहे थे कि हम डीजल 25 रुपये देंगे, पेट्रोल 35 रुपये देंगे, और उस वक्त जो है क्रूड ऑयल 144 रुपये प्रति बैरल था, आज क्रूड ऑयल 43 रुपये 31 पैसे प्रति बैरल होने के बावजूद इन्होंने जो 6 साल के अंदर 3 रुपये 46 पैसे डीजल पर और 9 रुपये 20 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त थी, आज वो 28 रुपये 40 पैसे तो पेट्रोल पर कर दी इन्होंने और 26 रुपये 70 पैसे इन्होंने डीजल पर कर दी। तो मोदी जी ने जो 100 दिन के अंदर अभी बढ़ोतरी किया उसको सुनकर देश की जनता अचंभित रह जाएगी कि 100 दिन के अंदर उन्होंने अपनी एक्साइज ड्यूटी को जो है करीब 100 गुना बढ़ा दिया है। तो इस स्थिति में हम जो है सरकार से मांग करते हैं कि आप जिस तरह अभी सरकार हमारी देश की जनता आर्थिक मंदी से जूझ रही है उस समय आप पेट्रोल डीजल के दाम जो आज 21 रुपये डीजल और करीब 22-23 रुपये पेट्रोल होना चाहिए, जो 80 रुपये में प्रति लीटर से आप आम आदमी को दे रहे हो, इससे महंगाई और बढ़ेगी। जो ट्रांसपोर्टेशन है या दूसरे भी माल की आवक जावक है, चाहे वो रेलगाड़ी से हो किसी भी हो, तो वो सब डीजल पेट्रोल पे डिपेंड करती है। तो आर्थिक मंदी की स्थिति में इस समय जब भूखा आदमी मर रहा है उस वक्त आपने इतनी महंगाई कर दी है तो उसे पुनः वापस लिया जाए, इसके लिए कांग्रेस ने आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन पत्र सौंपा।